आप लोगों के विरुद्ध के तहत विरोधात्मक कार्रवाई की गई है और इसके अलावा हथियार सत्यापन के अंतर्गत 1098 लाइसेंसी हथियारों का सत्यापन किया गया है, 351 हथियार को थाना में जमा कराया गया है और जो लोग सत्यापन नहीं किए हैं 62 का लाइसेंस कैंसिल हो चुका है, काफ़ी लोगों को शो कॉज नोटिस हुआ है कैंसिलेशन के लिए। और इसके अलावा CCA के तहत धारा 3 के अंतर्गत थाना पे हाजिरी लगाने के लिए 128 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। अभी तक कुल 22,000 लीटर शराब बरामद हुई है और 94 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जो जिन लोगों को जेल भेजा गया है। विभिन्न नाका और SST की टीमों के द्वारा जांच के क्रम में वाहनों से 39 लाख रुपए का फाइन वसूला गया है और अभी चुनाव की तिथि है 29 अप्रैल, उस दिन की कार्य योजना के अंतर्गत एवरेज 3 चुनाव मतदान केंद्रों के ऊपर एक सेक्टर मजिस्ट्रेट पुलिस पदाधिकारी और बल की प्रतिनियुक्ति की गई है, जो लगातार अपने एरिया में पेट्रोलिंग करेंगे और गांव में जाके ये देखेंगे कि किसी वर्ग के वोटरों को वोट डालने में कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई रोक तो नहीं रहा है। ये सेक्टर मजिस्ट्रेट और सेक्टर पुलिस की टीम के अलावा इनके ऊपर प्रत्येक विधानसभा में एक जोनल पार्टी की प्रतिनियुक्ति की गई है, जिसमें एक पुलिस पदाधिकारी होंगे, एक मजिस्ट्रेट होंगे और 10 जवानों के साथ में होंगे। इसके अलावा सभी थाना को गश्ती दल गठन करने का निर्देश दिया गया है, प्रत्येक थाना के साथ में और मजिस्ट्रेट के साथ में बाइक पे हमारी पेट्रोलिंग की टीमें रहेगी। इसके अलावा प्रत्येक विधानसभा में एक QRT रहेगी जो बाइक पे गश्ती करेगी। पूरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कहीं से कोई शिकायत आती है तो 10 मिनट के अंदर या तो वहाँ सुपर जोनल पेट्रोलिंग पार्टी पहुँच जाएगी या QRT पहुँच जाएगी। तो रिस्पॉन्स टाइम का टारगेट हम लोगों ने 10 मिनट रखा है और इसलिए सभी टीमों को मोटरसाइकिल गश्ती में रहने के लिए कहा गया है। इसके अलावा जिला की सीमा सील करने के लिए 85 स्थानों को चिन्हित किया गया है जहाँ पर नाकेबंदी की जाएगी और ये नाकेबंदी आज शाम से शुरू हो चुकी है। मतदान की समाप्ति तक जिला की सीमाएं सील रहेंगी और सभी संदिग्ध वाहन और व्यक्तियों की आवाजाही पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी और कड़ाई से तलाशी ली जाएगी। इसके अलावा जो हमारा कुशेश्वर स्थान विधानसभा में दियारा क्षेत्र है, वहाँ पर एक घुड़सवार दस्ता की प्रतिनियुक्ति की गई है और नदी में भी 3 SDF की टीम गश्ती करेंगी। इसके अलावा एक बम डिस्पोजल स्क्वाड की भी प्रतिनियुक्ति की गई है जो मुख्यालय में नियंत्रण कक्ष में रहेगा और इसके अलावा मुख्यालय से एक हेलीकॉप्टर SST की टीम के साथ यहाँ उपलब्ध रहेगा, जो कहीं भी अगर कोई ऐसी गंभीर स्थिति की कोई सूचना मिलती है तो वो तुरंत जो है वहाँ से फोर्स को रश कराया जा सकेगा या फिर अगर कोई राहत की आवश्यकता होगी तो तुरंत राहत उपलब्ध कराने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन करेगा। तो कोई हेल्पलाइन नंबर भी यूज किया गया है? कंट्रोल रूम के नंबर रहेंगे, इसके अलावा हमारे जो पुलिस पदाधिकारियों के नंबर हैं और हमारे गोपियाँ के नंबर हैं वहाँ भी 24 घंटे आदमी बैठा रहेगा पद रिसीव करने के लिए। जिला बदर की भी कार्रवाई कर 128 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है, लेकिन क्योंकि जिला बदर में ऐसी शिकायत आती है कि कभी कभी अपराधी जो है जिला बदर होने के बजाय यहीं पर घूमता रहता है, इसलिए ऐसे लोगों को थाना पे बिठाने का निर्देश निर्गत किया गया है। इसमें कितने जवान को काम पे लगाया गया सर? ये पूरी संख्या बताना तो स्ट्रेटेजिकली ठीक नहीं रहेगा, लेकिन 40 कंपनी पैरामिलिट्री और BMP की है जो हमारे आधे से ज़्यादा मतदान केंद्रों को कवर कर रही हैं और बाकी मतदान केंद्रों पर भी हम लोगों ने सभी जगह जिला पुलिस के जवान और पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। होमगार्ड के जवान मात्र लाइन लगाने के लिए सहायता करने के रूप में रहेंगे और स्टैटिक ड्यूटी के लिए भी और पेट्रोलिंग के लिए भी भारी संख्या में बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है। हमारे यहाँ केंद्रीय अर्धसैनिक बल और BMP की 40 कंपनियाँ आ चुकी हैं, इसके अलावा विभिन्न जिला से भी फोर्स ने योगदान दे दिया है। इसकी सूचना हम लोगों को अभी तक नहीं मिली थी, इसको हम लोग दिखवाएंगे। गाड़ी क्या रही? गाड़ी चलेगी सभी गाड़ी? तो जैसा कि अभी बताया गया है उसी निर्देश का अनुपालन कराया जाएगा।